कर लेते हैं इंदौर की, जहां बुलडोजर कार्रवाई देखने मिली है। सड़क प्रोजेक्ट में बाधित निर्माण पर यहां पर बुलडोजर चला है, जहां आपको बता दें खड़ा गणपति से यहां पर टिकरिया बादशाह तक अतिक्रमण को हटाया गया है। 60 से अधिक बाधित निर्माणधीन मकानों पर कार्रवाई की गई है। 4 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनों की मदद से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां आप देख सकते हैं इंदौर में यहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क प्रोजेक्ट में बाधित निर्माण पर बुलडोजर चला है, जहां खड़ा गणपति से यहां पर टिकरिया बादशाह तक अतिक्रमण को हटाया गया है। 60 से अधिक बाधित निर्माणधीन मकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनों से कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती के बीच 4 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनों से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 60 से अधिक बाधित निर्माणधीन मकानों पर कार्रवाई की गई है, जहां आपको बता दें टिकरिया बादशाह तक यहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। इंदौर में बुलडोजर कार्रवाई, जहां सड़क प्रोजेक्ट में बाधित निर्माणधीन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, यहां इंदौर में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, खड़ा गणपति से लेकर जो टिकरिया बादशाह का पूरा जो रोड है वो काफी दिनों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने भी प्रोजेक्ट शहर में चल रहे हैं और मेट्रो की तरफ विकसित दौर हो रहा है, इसी दौरान कई ऐसे बाधित मार्ग थे जहां पर सड़क निर्माण को लेकर के कई बार नोटिस दिए गए लोगों से। ये भी कहा गया था कि खुद अपने इन अवैध अतिक्रमण जो कि बाहर है उन्हें खुद तोड़ ले, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये कार्रवाई काफी लंबे समय से रुकी हुई थी और सड़क मार्ग को लेकर के जो बाधित मकान थे, तकरीबन 60 से अधिक ऐसे मकान और दुकानें थी, जिसको लेकर के आज नगर निगम का अमला पूरा मौके पर पहुंचा था, जहां पर बात की जाए तो तकरीबन 200 के करीब जो है नगर निगम के अधिकारी से लेकर तमाम लोग जो है मौजूद वहां पर थे और इसी दौरान अलग अलग पोकलेन और बुलडोजर की मदद से इन अवैध अतिक्रमणों को यहाँ पर हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और इसी के चलते अब जो है अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसके कारण सुगम और एक बेहतर प्रोजेक्ट के तहत रोड को तैयार किया जा सके और इसी को लेकर के आज टिकरिया बादशाह से बड़ा खड़ा बनकर तक ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल भरत, पूरे मामले में हम देख सकते हैं कि 6 पोकलेन मशीन और जेसीबी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, कोई किसी तरीके की नाराजगी उनमें? देखिए, जब निगम की टीम पहुंची तो जो विरोध था वो साफ जाहिर था लोगों का, क्योंकि काफी जो मकान और ये क्षतिग्रस्त यहाँ पर जो किए गए हैं उससे लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन क्योंकि पहले ही हिदायतें दी गई थी, पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इन निर्माणों को हटाने का काम नहीं कर रहे थे। अवैध रूप से ये जो सड़क बाधित करने वाले जितने भी ये मकान थे उन पर आज निगम का बुलडोजर चला, कुछ हल्की उनकी जो है धक्का मुक्की भी हुई थी, लेकिन क्योंकि स्थानीय पुलिस का बल भी वहां पर मौजूद था और इसको लेकर के तोड़वाया गया। कुछ लोगों ने खुद ही अपना जो अवैध अतिक्रमण निर्माण जो किया हुआ है वो खुद ही हटाना शुरू कर दिया, लेकिन 6 से भी अधिक जो है जेसीबी और 4 से अधिक जो पोकलेन मशीन है वो निगम का अमला बुलडोजर और इसको लेकर के पहुंचा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।